ये देखिए, टुडे इन केमिस्ट्री द थर्ड चैप्टर वी हैव टू एक्सप्लेन इट ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देखें। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर फोकस किया हुआ है कैमरा, देखिए आपका ना, पहले तो आपको मैं फिर बार बार एवरी चैप्टर्स व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री आई एम ऑलवेज आपका जस्ट सेइंग टू यू प्लीज हाइड्रोजन से लेकर के अपना हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक आप बिल्कुल याद कर लीजिए। याद है, लर्न है, नहीं लर्न है, थोड़ी थोड़ी में, थोड़े थोड़े में तो फिर तभी तो इसीलिए आपका तो हाइड्रोजन, तभी तो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और जैसे आप मिल गए हाइड्रोजन, ये तो बहुत सिंपल है। ये देखो, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज टू एटम, बाकी सब हम डिफाइन बात को करेंगे। और वैसे भी टू आपका नाम देखो, जैसा अगर सफिक्स लगता है किसी के साथ भी, किसी भी एलिमेंट के साथ, इसका मतलब इट डिनोट्स टू गैस, गैस को डिनोट करता है। इसमें बहुत सारी चीजें आप क्लियर करेंगे, इसीलिए मैंने देखो कैमरा यहाँ फोकस किया हुआ, देखिए आप इसको याद करने के लिए देखो रखते देखो हा ही ली बी बक नो फा नी ना मक अल सी फस कल अर कह का देखो हा ही ली बी बक नो फा नी ना मक अल सी फस कल अर कका देखो। उसके बाद सुंदर सा देखो टी वी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ये देखिए आप इसको हिंदी में याद करना चाहिए या इंग्लिश में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देखो अभी यहाँ पे, इसलिए आपको वही आया फोकस आपका ना ऑन दिस वन। देखो ये एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. This is known as a long periodic table. मैंडलिक पीरियोडिक टेबल भी आपका हो गया, आपका नाम होगा एलपीडी पीरियोडिक टेबल। इसमें बनाने के लिए कई लोगों की कंट्रीब्यूशन थी, तो मैंडलिप सर के साथ आप देखो वहां साफ देख रहे होंगे आपको बोर्स, नील्स बोर सर, नील्स बोर सर ने, और आप देखिए वहां मोसलेस सर, इन्होंने नील्स बोर सर ने जो फॉर्मूला ही हैज गिवन, उन्होंने 2n² अपन ने दो ए टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। ये इन्होंने 2n² नील्स बोर सर ने दिया, और मोसली सर ने अपन ने देखो दिस इन्होंने एटॉमिक नंबर दिए अपन ने दिस एटॉमिक, और दोनों ने काफी रिसर्च काफी पढ़ने के बाद वहां लिखा भी होगा 1913 इन्होंने ये दिया 1913 ये टेबल बन करके तैयार आपके सामने 30 है। उसके बाद मैं लिखा था कई ऐसे ही आपका नाम देखो दिस सर, जिस इसमें आपका नाम RH आपका हो गया, कैडमियम हो गया, EC हो गया, PD हो गया, आपका नाम देखो दिस सर, इसमें आपका प्लेटिनियम हो गया, AU गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, आपका नाम देखो दिस सर। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको और याद करने, तो लगभग लगभग जो मैंने आपको कहा था 30 और 30 प्लस 30 और 31 के कर, ये करीब 61 आपको याद हो जाने चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको दूसरी चीज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मॉस भी याद होना चाहिए। कोई कहेगी नहीं होना चाहिए, मैं कहता जब होगा तभी तो आप आगे, क्योंकि आप देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट आपका ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन यू विल आपका ना जस्ट
डिफाइन अबाउट द कॉम्पोजिशन, अपने कॉन्स्टिट्यूट्स, अपने ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, इसमें आपको कई चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपका नाम। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स तो बात को आएगा आपका नाम, लेकिन उससे पहले आपकी कई चीजें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। एक तो बच्चे को ये याद होनी चाहिए, उसके बाद इनका एटॉमिक नंबर तो ही याद हो जाएगा। जब आपको हो ही ली बी बकनो फनी नाम गलसी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी, आपको याद हो जाएगा। जब मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ आपका नाम देखो दे सर, तो फिर आपको तो याद ही करना चाहिए एटॉमिक नंबर आपका नाम, क्योंकि इससे कई चीजें आपको निकल के आएंगे। If you remember, if you learn by heart, आपका या understand the atomic number का मतलब ही आपका देखो ना, number of proton is equal to number of electron walking होगा, इसका मतलब ये देखें क्लियर है। अब वहां आ गया, अब आपका देखो ना यहां से, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं यहां पे। मैं देखिए एटॉमिक नंबर अगर आपको क्लियर याद हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप क्लियर कर लेंगे आपका नाम देखो। इसके बाद एटॉमिक मॉस अगर आपको पता लग गया आपका नाम देखो, इसको मॉस नंबर भी कहते हैं आपका देखो, दिस इज ऑल्सो नोन और दिस इज ऑल्सो नोन एटॉमिक वेट, किसी भी नाम से इसको पुकार ले आपका नाम देखो। अगर ये आपको पता हो जाएगा इससे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यू कैन फाइंड आउट आपका देखो। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको वास्तव में आपका एटॉमिक मास में से इफ यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट एटॉमिक नंबर आपको ये पता लग जाएगा। और जब आपका एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका निकल जाएगा उसके बाद देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of neutron in nucleus of every atom, yeah, every element, किसी भी element के आपका नाम nucleus में कितने number of proton और number of neutron रहते हैं, और जो आपका देखो number of electrons, it always revolve राउंड द न्यूक्लियस, और इन न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी घूमते इन डिफरेंट सेल्स विद डिफरेंट एनर्जी लेवल। खाली ये नहीं कि चैप्टर उठाया आपको कहा आओ लिखा देते हैं आपका नाम देखो दिस हो गया, पहले आप इनको आप इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद आपका जो लास्ट में आप पढ़ेंगे तो भी मैं आपको कहूंगा आपको याद है या नहीं है, आपको बाय हार्ट होना चाहिए आपका नाम। तो 30 एलिमेंट बाय हार्ट विद देयर एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किसने पढ़ाया किसने नहीं पढ़ाया इसको छोड़िए, लेकिन मेरे बच्चे को ये कंप्लीट याद होना चाहिए, मैं इतना जानता हूं आपका नाम। ये हो गया, ये हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, आपको ये भी पता लग जाएगा आपका देखो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है आपका देखो, मेटालाइट्स क्या है आपका, इनर्ट गैस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। देखिए अब आप फिर देखिए ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप दिस इज द सेकेंड ग्रुप। ये आप जितने देख रहे हैं ये सारे आपके क्या है मेटल्स है। यहां आप आ जाएंगे देखो अपन बोरोन, ये नॉन मेटल्स आपके स्टार्ट हो गए, लेकिन ये जो ब्लू आपका देख रहे हैं डार्क ब्लू देख रहे हैं ये आपका मेटालॉइड्स है। वैसे मेटालॉइड्स क्या होते हैं, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका नाम देखो। इफ एनी एलिमेंट विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, वो मतलब विच कीप्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल्स, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को रखते हैं उनको आपका मेटालॉइड्स कहते हैं आपका। ये सारी चीजें आपको तब क्लियर होंगे जब ये पूरा आपके दिमाग में आता होगा। ये जो येलो देख रहे हैं आपका देखो बीच में येलो,
These are आपके 38 elements हैं आपके ना 38 elements. ये आपका पूरे heavy metals होते हैं या transition elements हैं आपके ना बेटा सर. ये भी मैंने बहुत पहले कहा था. इनको भी आप याद कर लीजिएगा. ये जो yellow color आप देख रहे हैं इसमें देखो. It is starting from आपका देखो. ये 21 से लेकर के 30 तक यहाँ होगा. फिर 6 यहाँ छोड़ देंगे, 2 यहाँ छोड़ देंगे, 38 हो गया. उसके बाद ये 39 से लेकर के आपका देखो ना 48 तक होगा. उसके बाद 48 प्लस 6 आपका 54 और आपका 55, 56, 6 इधर और 2 इधर. अच्छा इसके बाद आप यहाँ पे थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे 57 जो आपका 57 से लेकर 71 तक आता है. इनके लिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती थी 56 से नहीं मिल पाई, 71 की 72 से नहीं. इनके लिए एक अलग से एक सीरीज डेवलप की गई, दैट वाज द लैंथेनाइड सीरीज की. उसके बाद आपका ये हो गया. तो यहां पे जो आपका था देखो, यहां जो आएगा ये छूट गया, तो 72 से लेकर के आपका 80 देखिए. फिर यहाँ 81 से 86, 87, 88, फिर यहाँ देखो 6 इधर 2 छोड़ दीजिए. उसके बाद फिर आप आइए देखो, ये 89 से लेकर के अपना 103, यानी कि 89 की जो प्रॉपर्टी थी वो 88 के साथ मैच नहीं कर रही थी. 103 की 104 इनके लिए अलग से सीरीज आपकी बनाई गई, दैट वाज योर 89. और यहाँ पे जो है ये आपका 104 से लेकर के 112 तक आया. एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स व्हिच हैव द एटॉमिक नंबर 39 टू 48 एंड देन उसके बाद देखो आपका नाम 21 to 30, 72 to 80, and 104 to 112. These all are your transition elements. या इनको आपका heavy metals भी आपका कहा जाता है. देखो अपन metals, वो आपका heavy metals, non metals. अब इसमें इनमें सबसे बड़ी बात है, ये जो आप heavy metals कहते हैं आपका देखो ना this one, इधर heavy metals, जिसको आप transition elements कहते हैं, इनकी electronic configuration इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ जो ये और इधर वाले आपके होते हैं. इनके कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, याद रखिएगा. तो देखो ये हैवी एलिमेंट्स एंड ट्रांसिशन एलिमेंट इज आल्सो नोन एज बी ग्रुप, इसको आपका कहा जाता है आपका. तो बी ग्रुप के अंदर बी ग्रुप, ग्रुप ग्रुप का मतलब ऐसे खड़ी लाइंस, ये देखिए ऐसे ये खड़ी लाइंस हो गया आपका. और ये जो आपकी रोज होती है रोज, दीज आर नोन एज कॉलम्स मैथमेटिक्स में आपका ना इसको कॉलम्स कहते हैं. वर्टिकल लाइंस जिनको आप कह रहे हैं आपका ना, दीज वर्टिकल लाइंस आर डिनोटेड बाय ग्रुप, इनको आपका ग्रुप कहा जाता है. और ये जो आप रोज देखते हैं रोज, दिस इज या ये आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है आपका नाम देखो दिस ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपका इट इज नोन एज आपका व्हाट पीरियड्स, ए पीरियड्स जी. अब आप देखिए ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए. देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये थर्ड ए, थ्री ए, थर्ड ए जिसको 13 ए, फोर्थ ए, 14 ए, फिफ्थ ए, 15 ए, सिक्स्थ ए, 16 ए, सेवंथ ए, 17 ए, एट्थ ए, 18 ए या जीरो. ये देखो ये जो आप देख रहे हैं 21, 21 का मतलब आपका जो हो गया थर्ड बी ग्रुप. और 30 का मतलब ट्वेल्थ बी ग्रुप या सेकेंड बी ग्रुप. थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, टेंथ बी, इलेवंथ बी, ट्वेल्थ बी. इलेवंथ बी इज फर्स्ट बी और ट्वेल्थ बी इज सेकेंड बी. अगर कोई स्कूल टीचर अपने बच्चे को ये लर्न नहीं करवा रहा या समझा नहीं रहा, फिर मैं सोचता हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ने का तो उद्देश्य ही आपका बिल्कुल फेल्योर हो जाना चाहिए बच्चे को आपका ना, टीचर को भी फेल्योर होना चाहिए. ये नहीं कि एटम एंड स्टेट, ये पहले आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इसका. देखो मेटल्स, अब आपने कहा लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इज इक्वल 1, 2, 3 होते हैं देखो आपका, तो ये आपका क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. डोनेट का मतलब लूज करते हैं. देखो लूज करने वाला आपका हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है
और देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का नीचे। तो मेटल आपका लूज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो दे आर द डोनर आपका हो गया करार को डोनर आपका। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे करो, ये देखो 5, 6, 7 होते हैं। ये आपका क्या करते हैं, गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, और गेन करने वाले आपका हमेशा निगेटिव बैलेंस में रहते हैं। भिखारी हुआ बैगर्स, ऊपर वाले ने दिया नीचे वाले ने लिया, तो ये बैगर्स है आपका देखो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जिनके जो देने वाले वो मेटल्स हो गए आपके, जो लेने वाले नॉन मेटल्स हो गए आपके, और जो लेते और देते दोनों है वो मेटलॉइड हो गए। मेटलॉइड वाले जो ग्रुप अगर आप देखेंगे ये एक्चुअल में कार्बन फैमिली है, देखो आपका नीचे कार्बन सिलिकॉन वाली फैमिली आपका एक ही है, ये देखिए आप कार्बन 14A और 4A कार्बन सिलिकॉन वाला जो ग्रुप है आपका ना, वैसे ये मेटलॉइड है, लेकिन ब्लू कलर से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेटलॉइड्स आपके ऊपर, ठीक है ना। चलिए कार्बन ये मेटलॉइड हो गया 12, ये देखिए आपके ना। और जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम देखो दिस इज द 4 है इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट लास्ट लोमो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका गेन भी करते हैं और आपका नाम लूज भी करते हैं, मैक्सिमम आपका गेन ही करते हैं क्योंकि कार्बन फैमिली आपका नाम देखो दिस। अगर आप कार्बन फैमिली की बात करें ये मोस्टली मुझे जो है मेरा अपनी जो नॉलेज है, क्योंकि मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट और आपको केमिस्ट्री, जितना मेरी नॉलेज है आपका नाम देखो दिस ना, ये आपका बेसिकली आपका क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन ने आपका क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा, कार्बोनेट भी आपका बना रहा आपका नाम देखो दिस। तो ये क्या करते हैं आपका ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, याद रखिएगा ये हो गया आपका नाम देखो दिस। और ये उसके बाद आपका वो लास्ट वाला देखिए आपका नाम, ये भाई साहब धीरू भाई अंबानी की फैमिली वाला टाटा की फैमिली में जो जो करोड़पति फैमिली में है, उन्होंने कहा छोड़ो यार अभी तो 12 बजे भी उठ रहा है, उन्होंने कहा नौकर कहते सो जाओ बेबी अभी सो जाओ, अभी तो सूरज ऊपर ही चला है, जब सारा इधर को चला जाएगा ना पिछवाड़े में तुम्हारे तब उठना। तो ये धीरू भाई अंबानी की जो औलादे हैं, धीरू भाई अंबानी बहुत अच्छे थे, उनके बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में से कौन सा अच्छा है ये तो आपको पता ही लगता होगा कौन अच्छा है। औलादे उनकी देखो करोड़पति फैमिली में नहीं, उसके लिए रोडपति ज्यादा अच्छे हैं आज की तारीख में, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। तो ये इनको मेहनत नहीं करना है, निकम्मी है औलाद। बाकी ये देने वाले, ये देने वाले, और ये भाई साहब तो 17 दे वाले, ये तो नंबर 1 के भिखारी है। 1 वाला जैसे ही छोड़ेगा ये भाई साहब तुरंत देखो 7 वाले ने लपक लिया, 2 जैसे ही छूटे 6 वाले ने लपक लिया, 3 जिसने आपका 5 ने लपक लिया, क्योंकि 7+1=8, 6+2=8, 3+5=8, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके हो रहे हैं इसका मतलब नो गेन नो पेन। तो ये चीज है, पहले ये सारी आप इसके लिए पुराने वीडियोस आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इस समय से भी, इस साल के भी और पुराने साल के भी। देखिए ये तो हो गया आपका एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने से पहले आपका नाम देखो दिस था एक ब्रीफ है। बिफोर गोइंग टू एनी चैप्टर इन केमिस्ट्री आपका नाम यू प्लीज रिमेंबर द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल फ्रॉम 1st to 30 मीन्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक, आप बिल्कुल उनको याद कर लीजिएगा, एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक मास, आपको खुद ही डिफरेंस पता लगने लग जाएगा अगर आप इतना याद कर लेंगे। इफ 50 स्टूडेंट्स आर सिटिंग विद यू इन योर क्लास आपका नाउ, आपको जब ये सारी चीजें आती हैं आप थोड़ा सा कॉलर ऊपर करेंगे भाई एवरीथिंग आई नो, यार मैं कार भी चलाता हूँ, मैं स्कूटी भी चलाता हूँ, आज मैंने आपका डाला हुआ देखो आपका नाम, मैं राइडिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, ड्राइविंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, आपने कल देख लिया, आज देख लिया, अभी मैंने आपका नाम जो थंबनेल डाली हुई है, थंबनेल मैंने कहाँ डाल देख लिया आपने क्या था, कार की स्पीडोमीटर में मैं 140 की स्पीड 141-142 की स्पीड से भाग रहा हूँ, ये भी तब भाग रहा हूँ जब मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं, और जब मैं अकेला होता तो मैं इसका
मतलब मेरा आगे जाकर के अपनी गाड़ी को ही 160 में दौड़ाने की स्पीड, और लास्ट फिर मैं अपनी गाड़ी को दौड़ाऊंगा 180 जो उसकी बिल्कुल प्योर लिमिट है। क्या मैं इतना कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। 180 में जाने का मतलब समझ लीजिए कि मुझे 5 किलोमीटर तक हाईवे बिल्कुल खाली चाहिए, खाली 5 किलोमीटर आगे तक हाईवे बिल्कुल खाली चाहिए। तो पढ़ाई की भी वही रिदम होनी चाहिए। मेरी हर चीज में रिदम है आपका। देखो ना, मैंने एक दिन देखो फ्यूनल में गया था, नहीं पढ़ाया, मैंने आज आपको बुला लिया, उसके लिए मैं सॉरी भी कहूंगा, क्योंकि देखो और तो आए नहीं, क्योंकि माँ बाप ने कहा जाते हो यार, आज तो संडे ही है, संडे इज ए फंडे, इट इज ए रेस्ट। नहीं, जिंदगी में रेस्ट तो रोज ही करना है। अभी मुझे फिर 10वें और 11वें दिन अपने फिर काम पे जाना है, मीन्स मेरी ताई जी का जो होगा, हमारे यहाँ जो होता है उसमें, तो फिर मेरा फिर 1-2 संडे आपको और पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब जाकर के मर्ज होगा। इसलिए चलिए अब आ जाइए आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। आपका नाम देखो दिस इधर, ग्राइंड कबेस और ग्राइंड अ किंग। अब किंग पकड़ के कहां जाएगा? नेपाल जाना पड़ेगा। आपका नाम किंग का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग से हो गया, और कैबेस आपका गोभी पत्ते वाली। आपके नाम देखो दिस नाउ एटम्स आर प्रेजेंट इन एवरीथिंग। कहने का मतलब ये हो गया कोई भी चीज, आइदर दैट इज एडिएबल थिंग, दैट इज ह्यूमन बींग्स, जो आपका लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी होगी, उनके अंदर आपका नाम एटम प्रेजेंट होगा। याद रखो, तो ये यहाँ पे ग्राइंड ए कवेज या ग्राइंड ए किंग का मतलब यहाँ पे कि कोई भी चीज आप नॉन, आपका ह्यूमन बींग्स लेंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स लेंगे, आपको हर किसी में आपका नाम एटम आपका मिलेगा। आपका नाम ये था, तो ना देखो दिस। अब यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनता है। आप ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा, मैं मॉलिक्यूल हूं और आप एटम हैं, आपके पापा मम्मी मॉलिक्यूल और आप एटम हो। चलो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी कंपाउंड्स हो, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे एक मकान को बनाने के लिए आपको सीमेंट की जरूरत भी होती है, सरिया की जरूरत भी होती है, एग्रीगेट की जरूरत भी होती है, सैंड बजरी की जरूरत भी होती है, और फिर उसके साथ मैसन जो आपका काम करने वाला है, आपका नाम, सभी मिल करके एक मकान बनाते हैं। यहाँ पे आदमी है, लेकिन आपका नाम देखो दिस जिन्स एलिमेंट, आपने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस एलिमेंट आपका नाम देखो, इस एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स होंगे, आपका इस एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये आपका नाम है। कंपाउंड्स की बात अगर आप करते हैं तो कंपाउंड आपका देखो H2, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आपका नाम वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ए टू एटम्स ऑफ योर हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ योर ऑक्सीजन, आपका नाम देखो दिस। तो दैट्स व्हाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आज नाउ टुडे वी नो दैट एन एटम consist of electrons, protons and neutrons. आज की तारीख में आपको बिल्कुल पता है, इतनी थ्योरी सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतने दिनों से केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इतनी क्लासेस से, तो आपको पता है कि कोई भी एटम आपका नाम देखो दिस इज़ विदाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पॉसिबल ही नहीं हो सकता है आपका नाम। लेकिन अगर आप बट अबाउट 200 years ago, अगर 10 साल पहले भी 200 साल पहले की बात अगर आप करते हैं तो ना nobody knows about atom, कोई भी ना एटम के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। देखो ना, सो द जो अर्ली आइडिया आपका ना होता है देखो ऑफ एटम
केम इन टू पिक्चर, जो पिक्चर में जो अर्ली आइडिया आया एटम के बारे में, याद रखेगा, ओनली आफ्टर इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिगेटिंग भी आप लिख सकते हैं आपका नाम देखते सर, इन्वेस्टिगेट करने के बाद नाउ द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शंस को इन्वेस्टिगेट किया गया उसके बाद ये आपका नाम उनका जो पिक्चर में तब लाइम लाइट में या एटम्स आपके नाम ये आया आपने देखो द उससे जो कंसिक्वेंसेस आए एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आए ऑफ सच रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स दोनों भी आप लिख सकते हैं आपका देखो ऐसे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आपके सामने आए वैट एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अपना नाम एस्टेब्लिश्ड वो लॉस आपके किए गए. तो देयरफॉर टू नो अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ एटम्स वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका नाम यस सर. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये जो आइडिया आपके नाम देखो दिस है इसमें तो देयर आर थ्री मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तीन लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के विच गिव द एविडेंस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ एन एटम. जो एटम्स के एक्सिस्टेंस के बारे में आपका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं उनके लिए आपका थ्री मेन लॉज आते हैं. सबसे पहले द ये मैंने अभी पढ़ाए नहीं ना चैप्टर, श्योर मुझे ऐसा लगा से कई बार पढ़ा देंगे तो मुझे नहीं मैंने पढ़ाए नहीं ना अभी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस एंड मैटर. देखो जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण करना, बचा के रखना, टू सेव टू प्रोटेक्ट. नाम देखो किसी भी मॉस और मैटर्स को कंजर्व करके रखना उसके लॉस के बारे में जो जानकारी देता है दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस एंड मैटर. वो कंजर्व नहीं वो सुबह सुबह जो आती है कूड़ा उठाने कंजर्वेशन तो ना दिस इज द वो नहीं वैसे वो भी कंजर्व कर रही प्रकृति को. याद रखिएगा आपका कूड़ा उठा करके ले जाते ना आपने तो पूरी डिस्ट्रक्शन फैला दी है. प्लास्टिक 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 प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जो है ऊपर कार से उतर करके प्लास्टिक उठाने जा रहे हैं और लोग यहाँ सुबह सुबह दूध की थैली लेने जाते हैं तो उसमें प्लास्टिक ही पहले होता है. आपका नाम सुबह की शुरुआत प्लास्टिक से और कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं आपका नाम बता दें. उसके बाद द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. अब आप देखो नाम से इफ योर इंग्लिश इज हिट फिट तो नाउ केमिस्ट्री एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर हिट आपका नाम दे. तो ये जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शन जिसको आप कहते हैं इसको नाम लॉ ऑफ डेफिनेट आपका कंपोजिशन भी इसको किसी जमाने में कहा जाता था आपको शायद ये बताया नहीं होगा. तो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन इज नोन एज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. याद रखिएगा. थर्ड जी क्या बोले थे नहीं बताया क्यों पेट में दर्द हो गया था उनका बताते समय. द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये आपका दिस. तो देर आर थ्री मेन लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच गिव द एविडेंस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ एटम्स में ये आपके तीन हो गए मल्टीपल प्रपोर्शन मल्टीपल. नाउ प्लीज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन इज नोन एज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. चलिए सर इसके बाद देखिएगा द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मॉस एंड मैटर. आज आप देखते हैं कंजर्व करना, इतनी बड़ी बड़ी आपकी मिनरेट्स बनी है दिल्ली में, कुतुब मीनार, कुत्ता बीमार है जो. आप लोधी गार्डन आएंगे, लोधी टॉम अगर आप देखेंगे, आप इधर सफदरजंग इनक्लेव के सफदरजंग में आप आएंगे तो वहां भी एक टॉम है आपका नाम. कुतुब मीनार पीछे आपका देखो, लाल किला आपका देखिए, जामा मस्जिद है. मैं कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ. ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं आपका नाम. तो यहाँ पे ये मोनूमेंट्स भी आपका बना, कोई भी पत्थर हो, ईंट हो, या बजरी हो, या रेत हो, आपका अभी आपने क्या बोला, ग्राइंड ए कैबेज और ग्राइंड ए किंग. एटम्स कैन आपका नाम, एटम्स आर प्रेजेंट इन एवरीथिंग आपका नाम. अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस एंड मैटर आपका नाम. तो दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड, दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड बाई द साइंटिस्ट लेबोजियर, LAVOIER, दिस इज द लेबोजियर इन ईयर. Now this is 1774. This law states that, ये law आपको क्या बताता है आपका नाम, क्या कहता है, states क्या कहता है, STATES आपका नाम देखो, कि it is not possible to create or destroy the most of a substance by chemical reaction. कहीं पे कोई दिक्कत होगी जरूर बोलेगा. This law was formulated by the scientist Lavoisier in year 1774. This law states that it is not possible to create, किसी भी, ये possible संभव नहीं है create या destroy करने किसी भी substance के mass को. ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर दे सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जरिए आपका ना देखो. दस इसका मतलब इस प्रकार से मॉस एंड दस मॉस एंड हेंस मैटर इज कंजर्व. इस प्रकार से मॉस एंड हेंस इससे आपका मैटर आपका क्या हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है. इसका मतलब अब आप कहेंगे आपकी समझ में नहीं आते, इसको और ढंग से समझाइए. इसका मतलब देखो कि ना द मॉस ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉस से आप बनाओ देखो, दिस इज बिफोर द रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन से पहले जो उस सब्सटेंस का मॉस है इक्वल टू द मॉस ऑफ ए सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का करना जो मॉस होगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले जितना सब्सटेंस का मॉस होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना ही सब्सटेंस का मॉस होगा अपने को. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड मॉस. इसमें क्या बोला, जैसे एनर्जी का आपने पढ़ा होगा, एनर्जी नेवर बी क्रिएट, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आपने वहां भी पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा था, याद है, वहां भी क्या था, एनर्जी इज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द वन एनर्जी फॉर्म टू द अनदर एनर्जी. बिल्कुल यहां भी वही आपका कंजर्वेशन ऑफ मॉस, जब किसी भी एटम्स के मॉस को कंजर्व करना, किसी भी मैटर के मॉस को आपका नाम, द्रव्यमान को कंजर्व करना, जो रिएक्शन से पहले किसी भी एटम या किसी का सब्सटेंस का आपका मॉस होगा, रिएक्शन होने के बाद भी चाहे वो कुछ भी दूसरा आपका नाम बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन उसके मॉस में कोई भी तब्दीली नहीं होगी. बताइए कुछ कह रहे थे जी. दस मॉस एनहेंस, मॉस एनहेंस मैटर इज कंजर्व.
अब जैसे आपने क्या किया, एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपका नाटक। एक्टिव फॉर द एक्टिविटी फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस आपका नाटक मैटर। आपने 4 ml आपने कॉपर सल्फेट ले लिया, यू हैव टेकन 4 ml कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज ब्लू कलर होता है आपका नाटक। ये इन ए टेस्ट एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया आपका नाम देखो दिस इज द और इस टेस्ट ट्यूब में आपने ये कॉपर सल्फेट ले लिया। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट इज ए कंपाउंड कंपाउंड और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यानी कि इसका फॉर्मूला CuSO4 होता है, याद रखिएगा ये भी याद करना है आपको। तो कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब में ले लिया मार्केट एट ए और इसमें आपने एक मार्क कर दिया अपना दुगल ए लिख कर दिया। उसके बाद फिटे के 2 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड और उसके बाद 2 ml आपने सोडियम सल्फाइड का आपका नाम दिस इज वो ले लिया सॉल्यूशन ले लिया इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब आपने ली और उसमें आपने आपका नाम देखो जैसा ये सोडियम सल्फाइड ले लिया सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला जानते क्या होता है Na2S होता है आपका नाम देखो जैसा सोडियम सल्फाइड और इसमें आपने क्या कर दिया बी मार्क कर दिया मार्क बी केयरफुली प्लेस बोथ द टेस्ट ट्यूब ऑन द सेम पैन ऑफ द बैलेंस। अब एक पैन बैलेंस जो आपका होता है उसमें आपने इसको रख दिया पैन बैलेंस जिससे गिरे ना आपका ठीक हो गया। प्लेस सम वेट्स एंड 2 dry टेस्ट ट्यूब्स ऑन द अदर पैन और 2 test tube आपने जो ड्राई टेस्ट ट्यूब आपने क्या किया अपना नाम एक ये ले लिया और एक आपका नाम ये ले लिया आपका ये दोनों ही आपका ड्राई टेस्ट ट्यूब है। ये 2 आपने ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लिया आपका नाम देखो अनदर पेन में और द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द मॉस और उसके बाद आप रिकॉर्ड करिए रिकॉर्ड द मॉस मॉस को आप रिकॉर्ड करिए आपका दिन। रिमूव ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी एंड एड इन द सॉल्यूशन। अब इसमें से क्या करो ये जो सोडियम सल्फेट था इधर यहां देखिए इसमें से इसमें आप क्या करिए आपका नाम देखो दिस कुछ फ्यू ड्रॉप आपने इसमें डाला आपका नाम बी में से जो मार्क बी किया उसमें से कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपने देखो आपने किसके सोडियम सल्फाइड के आपने इसमें डाल दिया पहले वाले में आपका जो कॉपर सल्फेट है आपका देखो टेस्ट ट्यूब में। अब आपका देखो What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं क्या आपके सामने प्रोसेस होती है बना देंगे इसमें क्या होगा जब आप इसमें सोडियम सल्फाइड को आप डाल देंगे तो ना देखो अब ब्लैक कलर पीपीटी पीपीटी के मतलब प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट का साइन होता नीचे आपका देखो ये इसमें एयर टेस्ट ट्यूब में ब्लैक कलर की आपकी पीपीटी आपकी क्या हो जाएगी फॉर्म हो जाएगी ए में फॉर्म हो जाएगी आपके नाम ये क्यों होगा देखो पीपीटी इज फॉर्म इन ए आपका टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब जिसमें कॉपर सल्फेट था आपका देखो ना उसमें ये क्यों हुआ दिस इज ड्यू टू द केमिकल This is due to the chemical reaction between copper sulfate and sodium sulfide के बीच में आपका जो हुआ इससे आपका देखो to give अब इससे क्या मिलता है आपका देखो नाम अब आपका देखो ये copper sulfate ये देखिए copper sulfate क्या होता है blue color जब इसने sodium Na2S
Na2S क्या है? सोडियम सल्फाइड. अब क्या देखो, जब इसमें आपका क्या हुआ, Cr केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या करेगा देखो, ये क्या बना देगा, कॉपर. अब देखो दिस कॉपर सल्फाइड, दिस इज कॉल्ड द कॉपर सल्फाइड और ब्लू कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर में. आपका देखो दिस इज ब्लैक कलर में और प्लस इसके साथ बच गए Na2SO4. नाउ देखो दिस Na2SO4, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोडियम सल्फेट. ये देखिए अपना, ये है अपना कॉपर सल्फेट आपका नाम. इसमें फ्यू ड्रॉप्स जब आपने क्या किया, 2 ml सॉल्यूशन सोडियम सल्फाइड का इसमें डाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ब्लैक कलर की पीपीटी बन जाएगी. और ब्लैक कलर की पीपीटी आपका नाम, इसका मतलब यहाँ पे एरो लगाओगे ऐसे, ये देखो ब्लैक कलर की पीपीटी. गैस जब होगी तो ऊपर को आपका गैस के लिए आपका ऊपर, और एरो जब नीचे डाउनवर्ड्स हो जाएगा तो आपका नाम दिस इज फॉर द पीपीटी प्रेसिपिटेट. इतना कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं थोड़ा. जी बोलिए, कितने कितने एथे द मास ऑफ ए सब्सटेंस बिटवीन बिफोर बीएफ, बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल द मास ऑफ ए सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन. You have taken two test tube. First, second लिखो या A और B आप जो भी लिखो. In first test tube you have to आपका take आपका ना copper sulphate आपने लेना है. And the color of the copper sulphate is blue. In the second one test tube जिसको mark B या second आप कर दीजिएगा. In this you have taken आपका इसमें 4 ml ले लीजिए, इसमें 2 ml, ये जो this is ये जो sodium sulphate है ये आपका 2 ml की quantity आपने इसमें ले लिया. उसके बाद क्या करेंगे आपका, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ ड्रॉप्स आप इसमें डाल देंगे. तो व्हेन दिस कॉपर सल्फेट विच इज CuSO4 इज रिएक्टिंग विद योर सोडियम सल्फेट, सो नाउ इट्स मेकिंग अ कॉपर सल्फाइड एंड दिस ब्लू कलर विल बी चेंज इनटू द ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा और आपका नाम दिस इज द, तो ये देखो कॉपर इससे जो सोडियम सल्फाइड था इसके सल्फाइड कॉपर के साथ चले जाएगा, और जो सल्फाइड के साथ सोडियम था ये सोडियम आपका इसके कॉपर के सल्फेट के साथ चले जाएगा. और इसको टेंथ में अगर आप पढ़ते रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, और ये कह रहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, पता नहीं था. ठीक हो गया, CR का मतलब केमिकल रिएक्शन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर्स की बात, वो आपको ए लग रहा होगा, मैंने मिटा के उसको 4 कर दिया, दैट इज CuSO4 है वो. ये रिएक्शन आपके लिखने के बाद Is there any observable change in the mass? आपका अगर आपने ये देखना कि क्या मॉस में कोई आपका ना ऑब्जर्वेबल चेंज आया, तो आप कहेंगे नो, देयर इज नो चेंज इन अ मॉस, मॉस में आपका कोई भी तब्दीली नहीं आई. अब फिर आप मोर, फिर देखिए आपका मोर ड्रॉप्स आप डाल दीजिएगा, मोर ड्रॉप्स ऑफ आपका सोडियम सल्फाइड की आपका ना देखो फिर कॉपर सल्फाइड में फिर डाल दीजिएगा आपका नाम देखो दस, इससे क्या होगा मोर ब्लैक पीपीटी आपका नाम देखो इस फॉर्म, जितना आप डालेंगे उतना ब्लैक आपका देखो मोर ब्लैक पीपीटी आपका नाम देखो ये आपका फॉर्म होगा आपका नाम देखो. लेकिन बट नो चेंज इन द मॉस आपका ना देखो इस ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्जर्व किया है उस मॉस में आपका कोई भी तब्दीली नहीं आएगी. तो दिस एक्टिविटी, ये जो आपने एक्टिविटी है, इट इलस्ट्रेट्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस एंड मैटर आपका ना. इसका मतलब क्या हो गया कि कुल मिला के जो आपका टोटल मॉस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या थे,
रिएक्टेंट में क्या थे? कॉपर सल्फेट और प्लस सोडियम सल्फाइड, इक्वल टू, फिर आपका नाम देखो दस ग्राम टोटल मॉस ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ मॉस प्रोडक्ट्स में आपका क्या था? कॉपर सल्फाइड, दिस इज कॉपर सल्फाइड और प्रोडक्ट आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो था टोटल मॉस ऑफ ऑल रिएक्टेंट कंबाइंड इज इक्वल टू द टोटल मॉस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द मॉस ऑफ ए सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस, दस मॉस एनहेंस मैटर इज कंजर्व्ड। तो दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। कल हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन और कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे। प्लीज, एक स्टार्ट है, बहुत अच्छा लगा कि आप संडे अपना टाइम नीट को आप त्याग करके आप आए। अब जिन्होंने नहीं त्यागा है जिंदगी में, कभी कभी पढ़ाई खुद को त्याग देते, उन्होंने कहा ठीक है जब तूने पढ़ना था तब तूने किक मारी ना, अब ले मैं तुझे किक मारती हूं। एनी हो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू।